अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जेटी ब्लॉग में खुश आमदेद। आज हम आपके लिए कॉफी का एक बेहतरीन फार्मूला लेकर आए हैं। कॉफी वैसे तो फ्लेवर के तौर पे पी जाती है, दुनिया में बहुत से लोग इसको शौक से पीते हैं, लेकिन इसको अगर वेट लूज के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो कॉफी आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। फ्लेवर आपकी अपनी मर्जी का होना चाहिए। इसमें ये देखें, चंद दाने काली मिर्च के हैं, दो दाने लौंग के हैं, थोड़े से हमने दालचीनी ली है और दो हमने सब्ज इलायची ली है। तो आए अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपने दो कप पानी लेना है और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है, और जो हमने आपको अशिया बताई हैं ये इसमें हमने डाल देनी है। इसमें मीठे का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको ऐसे ही पीनी है। कॉफी इसमें आप अपने पसंद की कोई भी कॉफी अपने हस्बे जायका डाल देते हैं, तो हम इसमें चाय का आधा चम्मच डाल रहे हैं। देखें, चाय का आधा चम्मच हम इसमें कॉफी डाल दें और इसको पकने के लिए छोड़ देना। पकाना इतना है कि ये दो कप पानी है ये हल्की आंच पे पकते हुए एक कप रह जाए। व्यूअर्स, हमने दो कप पानी लिया था, उसमें कॉफी और बाकी अशिया डाल दी थी, और अभी ये हल्की आंच पे इसको पकाते रहे और ये एक कप बच गया। इसमें इसको हम छान लेंगे। कॉफी जहां दीगर बहुत से फवायद रखती है के साथ साथ वेट लूज के लिए भी इस्तेमाल होती है, और आप इसका एक कप डेली पिए तो एक हफ्ते बाद आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके जिस्म से जो फालतू की चर्बी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको फ्रेशनेस का एहसास होगा। तो हमारी रेसिपीज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।